जय हिंद, जिसका इंतज़ार हमारे बहुत सारे स्टूडेंट व्यूअर्स कर रहे थे, एसएससी जेडी का नोटिफिकेशन आ चुका है। 24,369 पदों की इस बम्पर वैकेंसीज के लिए क्लास 10th पास मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट वाइज वैकेंसी की बात करें तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के लिए 10,497 वैकेंसीज है, सीआईएसएफ के लिए 100 वैकेंसीज है, सीआरपीएफ के लिए 8,911 वैकेंसीज है, एसएसबी के लिए 1,284 वैकेंसी है, आईटीबीपी के लिए 1,613 वैकेंसीज है, एआर के लिए 1,697 वैकेंसीज है, एसएसएफ के लिए 103 वैकेंसीज है और एनसीबी के लिए 164 वैकेंसीज है। अगले 3 से 4 मिनट में हम वैकेंसी डिटेल्स, वेतनमान, आवेदन फी, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, पीएमटीपीटी एग्जाम के बारे में, इसके फुल सिलेबस के बारे में और इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बार से परीक्षा पैटर्न चेंज है, उसको हमने इसमें डिस्कस किया है। अब आइए बिना देरी किए सबसे पहले इसके वैकेंसी डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो इसमें 2 पार्ट में वैकेंसीज है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में एनसीबी को रखा गया है जिसके लिए 164 सीट्स है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, मेल कैंडिडेट के लिए 21,569 सीट्स की वैकेंसीज है, वहीं फीमेल के लिए 2,626 सीट्स की वैकेंसीज है। एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का भी डिटेल्स दिया हुआ है। एसएससी जीडी के सैलरी यानी पे स्केल की बात करें तो बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव सैलरी है। इनको पे लेवल 3 की सैलरी मिलेगी जो कि 21,700 से 69,100 रुपये तक की होगी। चूंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है इसीलिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी इन्हें मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो काफ़ी नॉमिनल चार्ज है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपये का, वहीं शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट का फ़ी एग्जेम्प्टेड है, कोई फ़ी नहीं लगेगा। एसएससी जीडी के सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके मुख्य 5 चरण हैं। सबसे पहले आपको रिटेन एग्जाम देना होगा जो कि ऑनलाइन होगा, आगे इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, उसके बाद पीएमटी यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। अब आइए एसएससी जीडी के रिटेन एग्जाम के पैटर्न को डिटेल से समझ लेते हैं। 2022 यानी इस साल से पैटर्न को चेंज किया गया है, स्क्रीन पे जो दिख रहा है यह नया पैटर्न है। इसमें 4 पार्ट से प्रश्न आएंगे। पार्ट ए में आपके जनरल इंटेलिजेंस से 20 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के, वहीं पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के, वहीं पार्ट सी में आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के, वहीं हिंदी इंग्लिश से प्रश्न होंगे 40 मार्क्स के। टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 160 मार्क्स का प्रश्न होगा जिसके लिए आपको 60 मिनट्स यानी 1 घंटे का समय होगा। पहले यह समय 1 घंटा 30 मिनट्स का यानी 1.5 घंटे का समय होता था और 100 प्रश्न पूछे जाते थे। निगेटिव मार्किंग 1/4 होता था, इस बार से निगेटिव मार्किंग 1/2 यानी 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे गलत आंसर करने पे। क्वेश्चन का लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एसएससी जीडी के फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पीईटी की बात करें तो मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर का रेस 24 मिनट्स में पूरे करने होंगे, फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर का रेस 8.5 मिनट में पूरे करने होंगे जो कि सभी उम्मीदवारों के लिए है। वहीं 1.6 किलोमीटर का रेस मेल कैंडिडेट को 6.5 मिनट में पूरे करने होंगे और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर का रेस 4 मिनट में पूरा करना होगा जो कि लद्दाख क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए है। एसएससी जीडी के पीएमटी एग्जाम की बात करें तो मेल कैंडिडेट का हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल का हाइट 157 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वहीं शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट का 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल का 150 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। नॉर्थ ईस्ट और एसटी कैंडिडेट का मेल कैंडिडेट का हाइट 157 सेंटीमीटर और फीमेल का 147.5 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। चेस्ट की बात करें तो जनरल एससी ओबीसी का 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, वहीं मेल एसटी कैंडिडेट का 76 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है।
एसएससी जीडी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो क्लास 10th पास होना अनिवार्य है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। वहीं एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल एज होना अनिवार्य है। आयु सीमा में छूट की बात करें तो एसटी एससी को 5 ईयर्स का, ओबीसी को 3 ईयर्स का और एक सर्विसमैन को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एसएससी जीडी के लिए जो सिलेबस है, सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम, प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नंबर्स, कंप्यूटेशन, होल नंबर्स, डिसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, बाकी का डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। वहीं हिंदी का सिलेबस भी आपको दिया हुआ है। दिया हुआ सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। अब आइए इंग्लिश रीजनिंग और जीके जीएस के सिलेबस को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक सेक्शन में आपके पार्ट ऑफ स्पीच आर्टिकल से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, बाकी का डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। वहीं रीजनिंग के भी टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके जीएस में आपको 2 साल का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, इंडिया और वर्ल्ड का, इसी से प्रश्न आएंगे। अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे जाएं। वहां पे सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फोन नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद अपना नेसेसरी डिटेल्स भरें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें, फी पेमेंट करें, प्रीव्यू करें, फिर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद पीडीएफ सेव करके जरूर रखें फ्यूचर यूज के लिए। लास्ट डेट 30 नवंबर 2022 है। महत्वपूर्ण तिथियां की बात करें तो 27 अक्टूबर से फॉर्म भरा जा रहा है, 30 नवंबर 2022 इसका लास्ट डेट है और परीक्षा जो है आपका जनवरी 2023 में एक्सपेक्टेड है।